हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इन टुडेज़ वीडियो आई विल बी शेयरिंग सम होम टिप्स एंड ट्रिक्स, और साथ ही हम बनाएंगे एक DIY विथ वेस्ट फैब्रिक। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अपने ब्लैंकेट्स और क्विल्ट रजाई को हमेशा कवर करके रखें। इसके ओपनिंग साइड पर आप इस तरह से बटन और होल बना के रख सकते हैं। इसे आप इलेक्ट्रिक स्विंग मशीन पर भी खुद भी बना सकते हैं। बटन आई हाथ से भी बनाया जा सकता है और इलेक्ट्रिक स्विंग मशीन से ये बहुत जल्दी बन जाता है। इलेक्ट्रिक स्विंग मशीन से बटन आई किस तरह से बनाया जाता है उसका वीडियो मैंने बना रखा है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप चाहे तो उसे चेक कर सकते हैं। ये वाली जो बेडशीट है ये किंग साइज़ है और बहुत ही बड़ी है। इसका ये फैब्रिक वेस्ट हो रहा था जिसे मैं कट करके अब साइड टेबल के लिए कवर बनाने जा रही हूँ। काफ़ी सारा जो वेस्ट फैब्रिक है इसे हम कट कर लेंगे। इसका जो वाइट वाला पार्ट है उसे मैं यहाँ कट कर रही हूँ। यहाँ काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में हमें फैब्रिक मिल गया है जो कि ऐसे ही वेस्ट हो रहा था। कवर हम डबल लेयर में बनाएंगे। इस टेबल पर ये जो कवर लगा हुआ है इस टेबल रनर के साइज़ का ही हम नेक्स्ट रनर बनाएंगे। इसके लिए पहले हम इसको फैब्रिक पर प्लेस कर लेंगे। अब इसके चारों तरफ एक एक इंच स्टिचिंग का मार्जिन लेते हुए हम इसी शेप में कट कर लेंगे। यहाँ हमने दो पीस कट किए हैं। कोई भी कवर और रनर हमेशा डबल लेयर में ही बनाएं, इससे वो बहुत ज़्यादा उड़ता नहीं है और स्टेबल रहता है। इस कपड़े के राइट साइड को एक दूसरे की तरफ रखते हुए हम इसके चारों तरफ स्टिच लगाएंगे और इसका एक पार्ट हम फ्लिपिंग के लिए, पलटने के लिए खुला रखेंगे, जिस पर कि हम पलटने के बाद सिलाई करेंगे। आई हैव स्टिच्ड ऑल साइड हेयर। टेबल रनर इज रेडी। द नेक्स्ट टिप इज़ दैट नेवर यूज़ हार्पिक ऑन योर सिंक। हार्पिक लगाने से आपके सिंक पे काले धब्बे हो जाएंगे, ब्लैक स्पॉट हो जाएंगे जो कि कभी नहीं जाएंगे, तो नेवर यूज़ हार्पिक। इस तरह के छोटे छोटे राउंड टेप को आप इस तरह से पेपर रोल करके उसके ऊपर इस तरह से अरेंज करके रख सकते हैं। यू कैन कीप ऑल थिंग्स ऑर्गेनाइज लाइक दिस। These sweet boxes are very useful. Never throw them. कारपेट को वैक्यूम क्लीनर से क्लीन करना रोज के लिए वेरी बिग टास्क, तो उसे रोज क्लीन करने के लिए आप इस तरह से ब्रश का यूज़ कर सकते हैं। कपड़े धोने का जो ब्रश आता है वो इस तरह से घुमाएं। इससे जितने भी लेंस और आपके हेयर और डस्ट पार्टिकल होंगे वो आसानी से निकल जाएंगे। डोर बंद करते समय जब वो डोर फ्रेम पर चौखट पर टकराता है तो जो साउंड आता है उससे अवॉइड करने के लिए आप इस तरह से डबल टेप से स्पॉन्ज के टुकड़े छोटे छोटे उस पर स्टिक कर दीजिए।
किचन के बॉक्सेस पर इस तरह से ब्लैक मार्कर से नाम लिख सकते हैं। ककड़ी फ्रिज में रखने पर गल जाती है और बाहर रखने पर सूख जाती है। इससे बचने के लिए आप उसे किसी कॉटन फैब्रिक से कवर करके रखिए। कोरिएंडर लीव्स को लंबे समय तक फ्रेश रखने के लिए इस तरह से पेपर नैपकिन किसी टिफिन बॉक्स में लगा के उसे रख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।